हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आप किताबों में इंटरेस्टेड दोस्तों को काफ़ी अरसे के बाद दोबारा सलाम। एक तो बार वोकेशनल कोर्स में फंसा हुआ था, और दूसरा ख़ास तौर के ऊपर किताबों के अंदर इंटरेस्ट के बारे में, जो मैं जब भी वीडियोस बनाता हूँ या जो नई किताबें लेता हूँ तो अपलोड करता हूँ, तो बेगम को पता चल जाता है और वो फिर एक सड़ा हुआ मैसेज भेजती है फेसबुक के ऊपर कि है फिर खरीदनी है किताबें, सारे पैसे ज़ाया करते रहते हैं, क्यों गन जमा करते हैं वगैरह वगैरह। मेरे नज़दीक किताबें गंद नहीं होती, मेरे नज़दीक किताबें हैं लाइब्रेरी रखना एक बंदे की आपके बचपन के लिए, आपके लिए एक्चुअली प्रॉब्ली द बेस्ट थिंग यू कैन बाय पैसों के साथ। खैर, और मियाँ बीवी की लड़ाई की क्या ज़्यादा इतने खुल के बात करनी, उनको तो मैं छेड़ रहा हूँ भी, वो भी प्रॉब्ली वीडियो देख रही होंगी। खैर, अब इशू ये है कि काफ़ी अरसे से मैं और चीज़ों के अंदर बीच में फंसा हुआ था, तो इसलिए अपलोड नहीं कर रहा था। लेकिन आज जब किताबें लेने के लिए गया तो आज लगता है वकीलों का दिन था, क्योंकि आज जैसे ही वहाँ पे संडे बाजार पे पहुंचा तो राणा असद साहब, हमारे साबिक सेक्रेटरी हाई कोर्ट बार, वहाँ से मुलाकात हुई, अपने बेटे के साथ आए हुए थे, बेटे का कद बाप से ज़्यादा लंबा, साथ ही फिर राणा गुलाम सरवर साहब मिल गए, वो भी किताबें खरीद रहे थे, फिर और दोस्त भी किताबों के मिले। और अभी जब मैं वापस आ रहा था तो मुझे कॉल आई, हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, इसको कहते हैं सर उमर लतीफ़, कि यार एग्जैक्टली किधर लगा हुआ मेला, मैंने भी देखने जाना है। आजकल क्योंकि मौसम अच्छा है, इट सीम सारे के सारे वकील साहबान संडे के अंदर वहाँ किताबें खरीदने के लिए आज गए, तो मैं भी काफ़ी खरीदने के लिए गया, तो खरीद के काफ़ी किताबें लाए, तो आई थॉट मैं आपसे शेयर करूँ कि मैंने क्या चीज़ें लूट के लाया वहाँ से। और इतनी सस्ती बिक्री होती है कि तकरीबन लूटने के बराबर ही होता है। 100 रुपए की शेक्सपियर के ऊपर, ये प्रॉब्लम मैं फातिमा को दूंगा। फातिमा मेरी जो बेटी है वो उसके कोर्स के अंदर मैकबेथ का जो प्ले था वो था, और उसकी बैकग्राउंड के लिए बहुत ज़बरदस्त उसने अच्छे अंदाज में पढ़ा। बट शेक्सपियर के बारे में कहा जाता है कि अगर आपने लिटरेचर सीखना, खैर उसकी ज़ुबान पुराने अंदाज में, लेकिन ह्यूमन मोटिवेशंस और उसके जो प्लेज हैं, इंग्लिश की जो मेराज कंसिडर किया जाता है, या हाइट या पीक ऑफ अचीवमेंट होती है, वो विलियम शेक्सपियर किया था, दुरुस्त किया जाता है इसके प्लेज अगर आप बीच में देखें। लैंग्वेज को अजीबो गरीब से जो कपड़े पहने हुए हैं उनको बरक्स, उनके बरक्स अगर आप उनको आज की तारीख के अंदर भी मुख्तलिफ मूवीज बनी हैं, फॉर एग्जाम्पल ओमकारा उसके ऊपर बनी थी, और आई मीन इंडिया बॉलीवुड के अंदर भी उसके ऊपर मुख्तलिफ फिल्म वगैरह बनी हैं, और सारी की सारी, यार क्या यार इस्लामी सा कोई नाम था, मकबूल, मैकबेथ के ऊपर, और मुख्तलिफ बल्कि वो जो डायरेक्टर था उसने भी मल्टीपल बनाई। खैर, शेक्सपियर साथ एक बहुत ज़बरदस्त, अगर आपने किसी से टॉपिक के ऊपर आपने करनी, ये भी 200 रुपए की मिली, ये सीरीज़ पूरी आती है इंट्रोड्यूसिंग मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर, इंट्रोड्यूसिंग आइंस्टाइन मुख्तलिफ, ये एक सारी की सारी एक तकरीबन कॉमिक बुक के अंदाज के अंदर, मगर अगर आपने नॉलेज सीखनी है, बच्चों को सिखानी है या करके, इसके ऊपर मेरे पास तकरीबन हर चीज़ के ऊपर बेशुमार इंट्रोडक्टरी टेक्स्ट वगैरह मौजूद हैं। फॉर एग्जाम्पल, इंट्रोड्यूसिंग फेमिनिज्म, डार्विन, इंट्रोड्यूसिंग इस्लाम, स्टीफन हॉकिंस। मार्केट में आपको ये प्रॉब्ली 600 रुपए की मिलेगी, मगर 200 रुपए की यूज्ड के अंदर मिल रही थी, प्रॉब्लम मेरे पास पहले पड़ी भी हुई है, बट यू कैन ऑलवेज बाय एंड गिव टू समवन एल्स। गेम्स के अंदर एक वन ऑफ द बेस्ट गेम्स जिसे तसव्वुर किया जाता है, मुझे नहीं खेलनी आती, मैं सीखना चाहता हूँ पोकर, द थ्योरी ऑफ पोकर, एक दो दफ़ा खेलने की भी ज़रूरत की, कोशिश की है लेकिन बुरी तरह हमेशा हारे हैं, तो उसके अंदर ब्लफिंग, सेमी ब्लफिंग, चेस वगैरह दूसरी नौीयत की होती है, ये ताश के साथ जो पोकर खेली जाती है उसके बारे में ये किताब, ये आई थिंक 300 की थी। 200 रुपये की एक और किताब, कुकिंग का मुझे बहुत शौक है, और मेरे सबसे ज़बरदस्त कोई पास्ता बीच में बनाता नहीं मिर्चों वाला, सो और चीज़ें सीखने के लिए न्यू कुक बुक, ज़्यादातर पास्ता अंडे ये वो वगैरह चीज़ें ही बनाता हूँ बीच में, बट और चीज़ें सीखने के लिए, बिकॉज काम के बाद आई फाइंड इट रिलैक्सिंग, आपका जहन और चीज़ों के ऊपर भी लग के, आई मीन यू वुड बी सरप्राइज, अश्तर और साहब साहब फॉर एग्जांपल बहुत ज़बरदस्त, आपके बेशुमार आई मीन अच्छे लेवल का जो इंटरनेशनल लेवल का जो खाना वगैरह होता है, कोई ना कोई आपको हॉबी अपने काम से जहन हटाने के लिए आपको कोई ना कोई चीज़ करनी चाहिए, एंड आई मीन कुकिंग इज एज गुड एज एनी अदर थिंग टू डू, इवन दो आई एम क्वाइट गुड एट प्लेइंग पियानो। ये यहाँ पे 100 रुपए की मिल रही थी, बेसिक बेसिक अडल्ट पियानो कोर्स, प्रिंसिपली इसलिए आजकल मैं सीख रहा हूँ ये शीट म्यूजिक के साथ पियानो बजाना, सो उसके लिए ये किताब वगैरह बीच में मिल रही थी, एल्फ्रेड का ये कोर्स होता है बेसिक अडल्ट, उसकी बुक 1 पहले लेवल के ऊपर,
वो सीखने के लिए। अच्छा एक किताब ये मोमेन के लिए शायद वहाँ पे पढ़ी भी हुई थी, लेकिन इतनी अच्छी थी कि 300 रुपए की मिल रही थी, मैंने दोबारा उठा लिया। आपने अपने बच्चों को के लिए अगर आपने किताब कोई ख़रीदनी है, और मोमेन को मैं अंग्रेज़ी तो उसकी बहुत अच्छी है, उर्दू की तरफ भी रुझान कर रहा हूँ, वो तो पढ़ नहीं रहा, लेकिन साइंस वगैरह अंग्रेज़ी के लिए ये इंटरनेट लिंक्ड असबून की कभी भी कोई किताब मिल रही हो बच्चे के लिए ख़रीद ले, हमेशा बहुत ज़बरदस्त होती है, बाइंड हुई हुई है 100 रिकमेंडेड वेबसाइट्स के साथ भी, चूँकि नेट के ऊपर बैठा रहता है, हर वो चीज़ें देखता रहता है, तो बेहतर है कि उसको ऐसी किताब दी जाए। फॉर एग्जाम्पल आप इसके अंदर देखें मेटल्स के बारे में, ना सिर्फ इसकी तस्वीर अच्छी हैं बल्कि हर जगह के ऊपर यहाँ पे नेट के लिंक्स भी मुख्तलिफ उन्होंने बना के दे दिए, और नॉलेज के लिहाज से बच्चों के लिए प्रॉब्ली न्यूक्लियर पावर क्या होती है किस तरीके से, एक ये किताब मेरी पसंदीदा, आई मीन रिसेंटली है, मैंने तो इतनी ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ी, हाउ इट वर्क्स के नाम से भी एक सीरीज थी, वो कार्टून्स के जरिए बीच में बनी हुई है, वो भी इट्स वन ऑफ द बेस्ट बुक्स यू कैन गो अहेड एंड परचेज, सो आई डेफिनेटली रिकमेंड, ये आपको यूज के अंदर भी शुमार मिल जाएंगे, अगर पुरानी किताबों की स्कूल वाले कॉलेजेस में भी जाएं तो असबून की किताबें, ये जो कंपनी है इसकी अच्छी होती है, मगर ये वाली साइंस इंसाइक्लोपीडिया अपने अपने बच्चे को अगर आपने कोई तोहफा देना है या पढ़ के देना, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, माइक्रोस्कोप कैसे होती है, कितनी डिटेल में होता है, किस प्रिंसिपल पे चलता है, सब कुछ बना के, और ये तो इस नौत की किताब है कि मैं उनसे ज़्यादा मैं पढ़ के पढ़ने का मुझे शौक होता है, पढ़ के मैं खुश होता रहता हूँ, मैं पढ़ के मैं बीच में देखता रहता हूँ उनके साथ आपके साथ, अगर आप अपने बच्चों के साथ, अमीन वालदैन का मुझे बचपन का ये याद है, और अगर मैं पढ़ाई में अच्छा भी हुआ हूँ और कुछ अचीव भी किया, वो ये है उन्होंने कुछ टाइम दिया हुआ है, मुझे याद है मेरी माँ ने मुझे जो बचपन में पढ़ाया था, तो वो अगर आपकी रिलेशनशिप आपने अपने बच्चे के साथ भी बीच में डेवलप करनी है, तो सिर्फ स्कूल के लिए तो आप झाड़ के उनको कह देते हैं कि ये भी पढ़, ये क्यों नहीं कर रहा, ये कर, पढ़ होमवर्क, ये वो, इस तरीके से सारे का सारा, बट दिस इज वन वे टू एक्चुअली डिस्कवर थिंग्स एज वेल। अभी आने से पहले मैं मोमन के सामने साथ वीडियो गेम्स खेल रहा था, चल गेज ऑफ वॉर, बेगम में शुरू चाह रही थी कि इसमें कत्लो गारत बहुत ज़्यादा है, लेकिन दिस इज समथिंग यू बॉन्ड ओवर, और वो जितना एक्साइट होकर बात वगैरह कर रहा था, तो बचगान के साथ प्यार चूमना वगैरह वो अपनी साइड के ऊपर, मगर हैविंग डूइंग थिंग्स आई थिंक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल। ये अभी की तो नहीं है, मगर एक सेकेंड, पुरानी बीच में ख़रीद के रखी हुई, अभी तक घर तक नहीं मैंने पहुंचाई, अब महंगी मुझे मिली है 450 रुपए की, बट ये है म्यूज़िक का मुझे वहश की हद तक शौक है, और ये रिचर्ड विलियम्स अमेजिंग राइटर, ब्लू मोमेंट के नाम से, माइल्स डेविस आपका ट्रम्पेट प्लेयर था मॉडर्न के, आई मीन इसके बारे में कहा जाता है रॉबर्ट वाइट गैदर इज प्रॉबली इसको, माइल्स डेविस वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट 20th सेंचुरी का म्यूजिशियन, सो आई मीन बड़ी दुनिया के बावजूद ये कहा जाता है, तो रीमेकिंग ऑफ मॉडर्न म्यूजिक इसकी एक एल्बम है, काइंड ऑफ ब्लू जैज ट्रम्पेट प्लेयर था, वो पढ़ने के काबिल है। रेफरेंस के तौर के ऊपर 5600 जोक्स फॉर ऑल ओकेजन्स, कौन से बीच में इसमें जोक पढ़ा, एक जोक मैंने जब वहाँ पे बीच में फ्रोल रहा था तो सबसे ज़बरदस्त मैंने बीच में जोक पढ़ा, जिसके लिए मैंने किताब उठाई हुई 300 की मिली, जोक ये है कि बंदा लड़की को कह रहा होता है कि यू आर द लाइट ऑफ माई लाइफ, तुम्हारे लिए मेरे से दुनिया में कोई मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम बहुत ज़बरदस्त हो अम्बरीन, कहती है बट मेरी मेरा नाम तो सारा है, कहते हुए गलती हो गई आज मंडे है। अगर आपको समझ आया कि नहीं, खैर जोक की मैंने मेज काट दी, बट और किताबें दिखाते हैं जी, और कौन सी उठाएं, हाँ जोक्स की ना, जोक्स की किताबें मैं पढ़ लेता हूँ, दो लतीफ़े भी आपको अच्छे आ गए अगर आपको मुस्कुरा दिया, ये 50 रुपए की थी की थद्दी के अंदर से पढ़ी हुई मुझे मिली है, बिगेस्ट जोक बुक इन द वर्ल्ड, बिगेस्ट तो नहीं है उससे ज़्यादा भी आपको बड़ी नज़र आई है, तो ये भी जोक है एक तरीके से, झूठ बोल रहे हैं आपके साथ, बहुत छोटी सी किताब है उसको बिग, ये भी वो 50 रुपए 100 रुपए की आपको थद्दियाँ मिल जाती हैं, ये इंस्पेक्टर मॉन्टन ब्लानो का, ये जैसे आपकी आगाथा क्रिस्टी वगैरह है उसके ऊपर बेस्ड एक मिस्ट्री है, ये शायद मैं अपने अब्बा जी को दूँ, आजकल वो पढ़ नहीं रहे, तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, और ये किताब है काफ़ी मशहूर, अब एलपी हार्टली की गो बिटवीन, इंटरेस्टिंग चीज़ ये नॉवल मैंने पढ़ा नहीं हुआ था, लेकिन इसके साथ ही वहाँ पे पढ़ा हुआ कि शायद कोर्स में भी इस्तेमाल होता है, दो और गाइड्स भी मुझे पढ़ी हुई मिल गई, तो मैंने इसलिए उठाई कि ज़रा, और देखिए लिटरेचर में कई दफ़ा इसलिए पढ़ता हूँ, अगर आप वकील मेरे से पूछते हैं जी हमारी अंग्रेजी कैसे अच्छी हो, हम अच्छे वकील कैसे बने, आप अच्छे वकील इस तरीके से बन सकते हैं कि यू के ना सिर्फ आप और ज़्यादा पढ़ें, वो चीज़ें पढ़ें जो कि आपको शौक है, लाजमी नहीं है कि लॉ की किताबें पढ़ें, पढ़ने की आदत डालनी, और एनालाइज की आदत करने के लिए क्रिटिसिज्म पढ़ें कि अच्छा इसमें ये भी नुकता हो सकता है, ये भी हो सकता है, इस तरीके से हो सकता है, तो इसलिए लिटरेचर पढ़ना, मेरा दोस्त फॉर एग्जांपल उमर शरीफ ने मास्टर्स किया हुआ है,
जबरदस्त वकील है इसके अंदर, अंग्रेजी के अंदर, अंग्रेजी फिर भी नहीं आती, बट इसको वैसे मैं उसको छेड़ रहा हूँ, अगर मेरी फिर भी बेहतर, बट मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए गाइड्स वगैरह और ये चीज़ें इम्तिहान की इसलिए नहीं होती, गाइड्स वगैरह ये चीज़ें समटाइम्स गाइड्स कैन बी यूजफुल एज वेल, कि आप उसको पढ़ें कि जी, और ख़ास तौर पर क्रिटिकल गाइड जो, ख़ास तौर पर लोकल गाइड नहीं, बाहर की है जो अच्छे लिटरेचर के ऊपर किताबें होती हैं, यॉर्क नोट्स, क्लिफ नोट्स, इस तरीके से उनको यूज़ करके ट्राई टू डू एन अप्रिशिएट अ बुक, एक नॉवल वगैरह जो चीज़ आपने पढ़ी है, ट्राई टू अप्रिशिएट इट बेटर। एक किताब बहुत, दो इंपॉर्टेंट किताबें मैंने वहाँ से उठाई हैं। स्कॉट टारो इज़ अ वेरी फेमस जॉन ग्रेशम के लेवल का राइटर, उसने एक किताब लिखी हुई है, ये मुझे मिली है 100 रुपए की, 1L, हार्वर्ड का ये ग्रेजुएट है, उसके ऊपर एन इनसाइड अकाउंट ऑफ लाइफ इन द फर्स्ट ईयर एट हार्वर्ड लॉ स्कूल। हार्वर्ड लॉ स्कूल को प्रॉब्ली दुनिया का सबसे ज़बरदस्त लॉ स्कूल कंसिडर किया जाता है, और वहाँ बड़ी सख्त मुश्किल वगैरह भी तस्वर किया जाता है। सोल मैन अगर फिल्म से नहीं चेक की तो वो ज़रूर कीजिएगा। 1L उनका पहले साल का जो कोर्स होता है उसको कहा जाता है, उसके बारे में इट्स अ ग्रेट बुक। एक और बुक जो कि प्रॉब्ली लोकल रीप्रिंट मिली है, 150 रुपए की मुझे मिली है, गेम्स पीपल प्ले, वकालत के अंदर साइकोलॉजी और ज़िंदगी के अंदर भी आपको साइकोलॉजी बहुत ज़बरदस्त, लोग आपके साथ, आपको लगेगा कि गेमें खेल रहे हैं, नेगोशिएट कर रहे हैं, आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, आप भी प्यार मोहब्बत भी एक लेवल के ऊपर आप अगर देखें तो मैनिपुलेशन ही है एक तरीके से, कहा जाता है कि एक जंजीर है, और इस तरीके से लाइव गेम्स, और उसके बाद में ना बारे में ना उसको एनालाइज किया, वो पार्टी गेम्स एंट इट ऑफ, आपस में किस किस तरीके से गुफ्तगू होती, मैरिटल गेम्स, मियाँ बीवी के ताल्लुकात के अंदर, इफ इट वर्न फॉर यू लुक हाउ हाउ हार्ड आई हैव ट्राइड एट माई मैरिज, उसके लिए कुछ तमगा मिलना चाहिए, या फिर हैरिड की मैं काम, बहुत ज्यादा काम है, मुझे छोड़ दो पीछे, इस तरीके से। तो इट्स गुड स्टफ, रीडिंग स्टफ लाइक दिस मे बी कैन एट टाइम्स अलाउ यू टू अंडरस्टैंड योर ओन सिचुएशन, या इम्प्रूव योर ओन सिचुएशन, या अगर कोई चीज़ें वगैरह आपकी रिलेशनशिप के अंदर, कई दफ़ा ऐसे होता है कि आप, और मैं आई मीन फैमिली के भी मामला वगैरह, और फैमिली से ज़्यादा फैमिली कोर्ट के मतलब मामला वगैरह देखता हूँ, कि बहुत ऑब्वियस ऑब्वियस चीज़ों के ऊपर, छोटी छोटी चीज़ों पर लोगों की लड़ाई हो रही होती है, मगर जैसे जैसे वो चीज़ें ऐड होती जाती हैं तो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक आपकी रिलेशनशिप हो जाती है। तो उसके लिए ये किताबें भी कई दफ़ा पढ़ के आपको ये चीज़ें नज़र, आप खुद भी नज़र आ रही होती हैं, और आप एनालाइज करके छोटी छोटी चीज़ें, छोटी छोटी खराबियां, छोटी छोटी अकड़ना, अपने खानदान के साथ आपका मुकाबला नहीं होता यार, अगर कोई आपके साथ, आपका हाल वो बड़ी ज्यादती हो रही है, क्यों लड़ाई ले रहे हैं, चुप करें आगे चलें, चुप करें आगे चलें, ये वो सारे के सारा माइनर माइनर चीज़ें होती हैं, हर चीज़ के ऊपर अड़ अड़ के नहीं लग जाना चाहिए खानदान के। और कौन सी किताबें जी, लॉ की किताब जो प्रॉब्ली इतनी डिटेल में मैंने नहीं पढ़ी, मगर ऑक्सफोर्ड में जब मैंने लॉ किया तो सेंट जॉन्स कॉलेज में प्रॉब्ली उसका नया एडिशन आया है, ग्रे की लैंड लॉ की जो किताब है, इस प्रॉब्ली द बेस्ट वन, 1000 रुपए की मिली है, ओरिजिनल है, यहाँ पे कबाड़ी के पास सस्ती मिल गई है, ये फोर्थ एडिशन है। अब देखिए पाकिस्तान के अंदर इसका कोई इतनी ज़रूरत नहीं है, लेकिन रिसेंटली आई बिन वर्किंग ऑन, आई बिन लुकिंग एट अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के सिस्टम में क्या ख़राब है, लैंड रजिस्ट्री कैसी होती है, ये रजिस्ट्रेशन के क्या मामलात हैं, वन विंडो क्या है, आप फॉर एग्जाम्पल लेटर चेक करेंगे, सॉरी लेक्चर चेक करेंगे, हमारा बार वोकेशनल कोर्स के अंदर प्रॉब्ली द बेस्ट लेक्चर दैट वाज, वन ऑफ द बेस्ट लेक्चर दैट वाज गिवन वाज, मेरा सबसे अच्छा था वैसे, वाज बाय माय ब्रदर फैसल हनीफ, फैसल हनीफ साहब ने उसके बारे में प्रॉपर्टी किए, जिससे बड़े सवालात मेरे जहन में आए, तो मैं देखना चाह रहा था कि इंग्लैंड में क्या होता है, ये उठा के, और बाय द वे ये जो सारी की सारी चीज़ें ना, ये किताबें जो पढ़ी हुई पीछे आप देखेंगे, अमेरिका वाली ये सारी इधर है, इंग्लैंड वाली मैंने दूसरी साइड के ऊपर लगा के, यहाँ से शेल्फों में जगह कम हो रही थी तो ये वाली भी ऊपर जाएगी, बट उसके मुताबिक कलेक्शन एज आई एम सेइंग होनी लाजमी है। एक और किताब जो कि अच्छी मुझे मिली वहाँ पर पढ़ी हुई, वॉट आई लव अबाउट मूवीज, बहुत बड़े बड़े मूवी मेकर्स जो हैं सारे के सारे, डैनियल रैडक्लिफ या एक्टर डैनियल रैडक्लिफ कौन सी फिल्म में था, हैरी पॉटर में, जूलियट बिनोश कौन सी, आई थिंक ब्लू में, जूलियट बिनोश इज अ फ्रेंच एक्ट्रेस, बहुत वेरी प्रिटी एंड वेरी, इनको मैं नहीं जानता, साई मिंग लियांग, ये किस चीज़ के ऊपर, एक मिनट देख, साई मिंग लियांग ने पता नहीं किस चीज़ के बारे में, इलस्ट्रेशन वगैरह, अच्छी किताब वगैरह भी बनी हुई है, हु एग्जैक्टली ही इज़ आई डोंट नो,
मलेशिया बॉर्न ताइवान बेस्ड डायरेक्टर साई मिन लियांग टू, और इसने फिल्म कौन सी बन, स्लो सिनेमा ये बनाता है, गुड बाय ड्रैगन इनके नाम से। और उसके बारे में देखिए, इंपॉर्टेंट जो हैं कोन ब्रदर्स, सम ऑफ द बेस्ट मूवीज, मल्टीपल ऑस्कर विनर्स इन्होंने बनाई है, जोल और ईथन कोन ने, दोनों भाई है, सारे के सारे। कौन सी है यार, ओ ब्रदर वेयर आर्ट दाउ भी लिखी है इनकी, हाँ ओ ब्रदर वेयर आर्ट, नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन भी इनकी है, और भी मल्टीपल बीच में गेम ओडिसी की के ऊपर बेस करके इन्होंने बनाई थी। तो फिल्म्स का अनदर थिंग, देखो जो चीज़ आपको यू एंजॉय फिल्म्स वगैरह, अगर आपने अच्छा वकील बनना है, किताबें आपने पढ़ना है, फिल्में पढ़ना, उसके बारे में जो फिल्म पसंद आई उसके बारे में किताब पढ़ लें, तो उसको जैसे एनालाइज कर रहे होते हैं आपका दिमाग खुलता है कि हैं यार इस तरीके से भी चीज़ें देखी जा सकती हैं, और वो ये वाले जो स्किल्स आपके एनालिसिस के होते हैं फिर आप वकालत में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सिमिलरली आप जितने बुढ़ा होता जाता हूँ उतनी ज़्यादा इस तरीके की किताबें ज़्यादा खरीदता हूँ, कि 200 सोफार वेज टू ईट वेल एंड फील बेटर, बिकॉज आप अगर अपने आप सेहत का ख्याल नहीं रखेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता मेरी जैसी उम्र के अंदर जाकर तकलीफें और चीज़ें वगैरह, कभी कंधा दुख रहा होता है, कभी कमर दुख रही होती है, कभी ये सारी की सारी चीज़ें वो आपके साथ होनी शुरू हो जाती है। एक नॉन शरीफाना किताब है, वो मैं नहीं शेयर करूँगा आपसे। मोमिन के लिए 50 साइंस थिंग्स टू मेक एंड डू, असबून की, मैंने कहा ना जब भी असबून की कोई किताब आती है बच्चे के लिए आप बना के, कि आप मेकिंग बटर, बटर कैसे बनता है, उसके साथ बेटे के साथ बैठ के आप ये एक्सरसाइज वगैरह करें, और ये चीज़ें बच्चों को याद रहती हैं, फ्रूटी आइस स्लश कैसे बनता है, और ये सारे के सारे ना सिर्फ ये खाने पीने की, वैसे एक साइंस एक्सपेरिमेंट भी है जो प्रिंसिपल जिनके ऊपर ये बेस होके ये सारा हो रहा है, इट्स इंटरेस्टिंग। अब आगे फॉर एग्जाम्पल एक किताब लिटरेचर अगर आपने पढ़ा है, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, आई यूज टू हेट विलियम वर्ड्सवर्थ के, उसको नेचर का साइंस कहा जाता है, बट इसकी इंपॉर्टेंस लिटरेचर में, और जब आप हिस्ट्री पढ़ते हैं और इसके बारे में पढ़ना करते हैं, इट्स इज माइल्स बेटर। इब्तिदा में इस टाइम के ऊपर ही वॉज प्रॉब्ली वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोइट्स एवर अपने टाइम के अंदर। बाद में जाके आई थिंक ही लॉस्ट इट, वो इंग्लैंड का ऑफिशियल पोइट भी बन गया और ये वो अब सारे का सारा, बट प्रेल्यूड जो उसने लिखी थी, और आई बिलीव वर्ड्सवर्थ ने साथ एन ऑटोबायोग्राफिकली विलियम वर्ड्सवर्थ की है करके, आई हैड नॉट रेड इट बिफोर, चाइल्डहुड के बारे में, रेजिडेंस एट कैम्ब्रिज, ये सारी बुक्स के ऊपर एक लिखी हुई है यार, देखो इसके अंदर पोएम, तो पढ़ देते हैं। व्हाट कॉन्टेम्पलेशंस लाइक द नाइट काम फेल्ट थ्रू अर्थ एंड स्काई स्प्रेड वाइडली एंड सेंस डीप इनटू द सोल ऑफ द ट्रैंक्विलाइजिंग पावर, इवन देन आई समटाइम्स ग्रीम फॉर दी ओ मैन, पता नहीं बड़ी वर्डी लेवल के ऊपर है, बट इसलिए इतनी ज़बरदस्त इसको इंपॉर्टेंट क्यों कंसिडर किया जा रहा है वो भी बीच में देखेंगे। इसकी पोएम्स जो आई थिंक टेनिसन के साथ थे, किसके साथ थी यार बीच में, आई कॉन्ट रिमेम्बर, राइम्स ऑफ ए एंशियंट मैरिनर जिसकी है उसके साथ, आई मीन मॉडर्न पोइट्री का की इब्तदा इससे अमूमन तस्वर की जाती है कि इससे हुई है। ये आप मरियम के लिए किताब खरीदी, उसने शायद पढ़ भी ले, अ गाइड टू वर्किंग मदर्स, हाउ टू बी अ सक्सेस एज अ पेयर, बिकॉज आप बेगम के अंदर में ये देखे मेहनत बहुत कर, आई मीन आजकल वो काम वगैरह भी साथ सारे का सारा कर रही है, ये लगता है ये ऑटोबायोग्राफी हो गई, और किताबों के बारे में बात बात करते करते मैं और भी कर लूंगा तभी सही, मेरे ख्याल में, बेगम साहबा मुझे बोलती, ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए, चलो बट बोलना चाहिए, आप आगे किसी को ना बताइएगा, बट आपस में मिलके होनी चाहिए। अच्छा एक किताब मेरे ब्रदर इन लॉ की, अभी चंद दिन पहले सालगिरह हुई है, तो आज मैं असल में गया था किताबें लेने के लिए, कि गाड़ियों के ऊपर उसको बड़ा शौक है पुरानी गाड़ियों का, तो उसके लिए कोई ना कोई किताब वगैरह, किताबें तो नहीं मिली लेकिन गाड़ियों के पास है, टॉप गियर मैगजीन के रिसाले वगैरह, पाकिस्तान में कौन सी नहीं आती हैं, तो फिर मेरे ख्याल में ये 2016 2018 के, ये उसको वन तारीफ करनी पड़ेगी मुझे मेरे ब्रदर इन लॉ की, एन एक्सेप्शनल प्रोफेशनल, एक्सेप्शनल ह्यूमन बीइंग माशाल्लाह एज वेल, और उस्मान हमीद चौधरी, हैप्पी बर्थडे यार, और उसकी उसको मर्सिडीज का शौक है, तो बहन ने मुझे कहा था कि यार मर्सिडीज का बड़ा शौक है, तो मैंने ढूंढ ढूंढ के मर्सिडीज एंथुजियास्ट की, पुरानी से एक मर्सिडीज लेके भी उसने रिकंडीशन करके रखी हुई, सो आई वेंट एंड बॉट दैट। दो किताबें और ये देखें, ये वो हैं जो कि किताबें अभी जो इस दफ़ा तो मैंने इतनी ज़्यादा नहीं ली, तो बेगम साहिबा मुझे ना ज़्यादा झाड़ें,
ये पुरानी जो पढ़ी हुई है वो भी मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, जिनके बारे में पहले शायद बात नहीं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, अगर आपने दफ्तर चलाना है डीके की भी, जैसे जितना इंपॉर्टेंट ऑस्पन है वो ऑस्पन बच्चों के लिए होता है अमूमन, डीके की जो भी किताब जहाँ पर मिले हमेशा खरीदना है। एसेंशियल मैनेजर्स मैनुअल, के दफ्तर किस तरीके से चलाना है, कंपनी कैसे चलाते हैं, इसकी मेरे पास एक्स्ट्रा कॉपी पहले पड़ी भी हुई थी, ये मुझे सिर्फ 300 में फटी हुई थी, तो यहाँ पर टेप लगा के मैंने जुड़वाई है अभी। 300 रुपये में ये किताब मैं ये 3,000 में भी ख़रीदूँ। मेंटेनिंग मोमेंटम, आपने अंडरस्टैंडिंग बॉडी लैंग्वेज, नोइंग योर एम्स, हर सफ़े के ऊपर कोई क्रिएटिंग अ सेल्फ मैनेज टीम, अगर आपने दफ्तर चलाना है टीम जो कि आपको कर सके, क्या तरीका होगा, क्या क्या प्रिंसिपल्स, क्या क्या तरीके इस्तेमाल करने चाहिए, तो उस लिहाज से इट्स वन ऑफ द बेस्ट बुक्स यू कैन बाय। इसका एक और भी, एक साथ की शायद इसके अंदर लगी हो इश्तिहार वगैरह, इससे मिलती जुलती एक और मैनेजमेंट की भी एक अलहदा है किताब इसी नाम से, इतनी मोटी ही। सो आई रिकमेंड ये किताब, अगर आपको कहीं भी मिले तो ज़रूर खरीदिए, पहले फरोल के देख लीजिएगा, आई थिंक यू विल फाइंड इट, अगर आपने दफ्तर कभी चलाना है उस लिहाज से। किताबें और भी काफ़ी हैं, काफ़ी ख़रीदी हुई हैं, ये फॉर एग्जांपल ये पुरानी एक किताब है, कुछ साल 2 साल पहले ख़रीदी हुई पड़ी हुई है, ये आई एम फाइंडिंग इट वेरी यूजफुल। फाइनेंस फॉर नॉन फाइनेंशियल मैनेजर्स, ये मैं पढ़ के आजकल फरोल रहा हूँ कि जी प्रॉफिट वर्सेस कैश, दफ्तर को अभी थोड़ा बहुत मौका मिला है बार वोकेशनल कोर्स है कि प्रॉपरली दोबारा कैसे ऑर्गेनाइज करना है, कि कॉस्ट किस तरीके से ये आपकी अपने दफ्तर के अंदर अपने फाइनेंसेस वगैरह आपने कैसे मैनेज करने हैं, इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है, और एनुअल अकाउंट्स का ऑडिट वगैरह कैसे करवाना है, टैक्सेशन के लिए कैसे ऑर्गेनाइज करना है, टैक्स के कागजात कैसे करने हैं, रसीदात वगैरह, वन ऑफ द बेस्ट बुक्स यू कैन बाय बिकॉज ऑफ फॉर दिस। सो ये भी हैं, ये चंद किताबें थी जो कि विच आई पिक्ड अप। आई होप यू फाइंड दिस गुफ्तगू यूजफुल, अगर पसंद आई है तो गप लगाते रहिए, बताते रहिए, फीडबैक इसके ऊपर दीजिए, आपने भी जो किताबें ली हैं, और वीडियो देखने से ज़्यादा आप भी जाके वहाँ पे देखें किसको कहते हैं, लेकिन मेरे बाद जाया करें, बिकॉज मेरे पैर अगर मेरे से पहले जाके आपने सारी अच्छी किताबें खरीद ली तो फिर मैं क्या खरीदूंगा जाके। मेरे दो ये आज अच्छा ये दोस्त पूछते रहते हैं कि कहाँ से ये सारी उठाई हैं, ज़्यादातर किताबें संडे बाजार राइट ऑपोजिट पार्क टी हाउस, माल रोड के ऊपर सर्विस लेन के अंदर पूरी की पूरी सर्विस लेन भरी होती है किताबों के साथ, हर इतवार को ज़रूर चेकआउट कीजिए, और आप अपने लोकल इलाके के अंदर भी चेकआउट कीजिए। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो, गप लगती रहेगी, अब थोड़ा सा हम दफ्तर में आए हुए हैं तो बैठ के काम भी कर लेना चाहिए, बाकी गपें बाद में। थैंक यू, जिंदाबाद।